प्रश्न 5। जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में लिखिए। उत्तर, छात्र प्राकृतिक सौंदर्य का एकाग्र चित्त से अवलोकन करें और उस समय उठने वाले भावों को कविता रूप प्रदान करने का प्रयास करें।